हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बरेली पहुंचे केशव प्रसाद ने किया योजनाओं का शिलान्यास। बरेली के संपूर्ण विकास के लिए कृतज्ञ योगी सरकार। देश और प्रदेश की राजनीति का केंद्र है बरेली। यूपी के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली का दौरा किया, जहां बरेली में 374 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और पुलों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर केशव प्रसाद ने बरेली के सर्वांगीण विकास की बात एक बार फिर दोहराई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश की राजनीति का भी केंद्र है, इसके लिए इसका विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शासन का बरेली विकास पर गहरा ध्यान रहा है। मौर्य ने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि अभी बरेली में बहुत काम करने बाकी हैं, लेकिन भाजपा सरकार बरेली की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि यहाँ की हर योजना को पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बरेली की जनता को धन्यवाद दिया और केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में बरेली का काफी योगदान है, ये भी कहा। और बरेली के लिए जो भी अभी यहाँ पर आदरणीय अग्रवाल जी ने संबोधन में कहा है, व्यक्तिगत तौर से मुझे सुबह चिट्ठी सौंप दी, और हमारे अन्य माननीय विधायकों ने, सांसद जी ने प्रस्ताव दिए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विकास के गति को धीमा नहीं पड़ने देंगे। जहां पर भी जो भी जरूरत होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मैं मानता हूं और जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी के केंद्र में, और देश और प्रदेश की राजधानी के केंद्र में जो स्थान है, उस स्थान के समग्र विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। और पूरा हिसाब तो माननीय वित्त मंत्री जी रहे हैं, इसलिए लगाए होंगे, और आप सब जानते भी हैं कितना तीव्र गति से विकास पूरे बरेली जब, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारा काम खत्म कर दिया है, सारा काम पूरा कर दिया है, लेकिन आप ये भरोसा रखिएगा, जिस भरोसे से आपने अपना आशीर्वाद दिया, जिस भरोसे से आपने कमल खिलाया, जिस भरोसे से 2014 में माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिस भरोसे से 2017 में आदरणीय योगी जी को आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर के भाजपा की सरकार बनाने का काम किया, जिस प्रकार से 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी, चाहे बरेली की लोकसभा हो, चाहे आंवला की लोकसभा हो, चाहे बदायूं की लोकसभा हो, चारों तरफ आपने कमल खिला करके देने का काम किया है, भरोसा किया है हम पर, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी हर जरूरी कदम उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।